आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को शुरू किया था। इस योजना को शुरू हुए पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। जनजातीय जिला किन्नौर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 4,909 ई कार्ड बनाए गए हैं और जिले में योजना से 206 लोग लाभान्वित हुए हैं तथा इन 206 रोगियों के उपचार पर 9,87,500 रुपए की राशि व्यय की गई है। जिले के चिकित्सालयों में बाहरी जिलों के 17 लोगों को भी इसका लाभ मिला है। किन्नौर जिले में उपचार की गुणवत्ता के चलते 7 लगते जिलों शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों के लोग भी इलाज के लिए आ रहे हैं। गरीब पात्र व्यक्ति नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ लेने के लिए कार्ड बना सकते हैं। जिला किन्नौर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आज तक कुल जो है 4,909 ई कार्ड बने हुए हैं और इसके तहत हमारे जो है 6 सरकारी अस्पताल और एक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो इंपैनल है, जो 6 आपके सरकारी अस्पताल हैं उसमें जिला ये अस्पताल रिकॉम्पियो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रिकॉम्पियो और 4 जो है कम्युनिटी हेल्थ सब सेंटर्स हैं। इसके तहत आज तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 206 लोगों को जो है कुल जो लाभ जो है 9,87,500 रुपये का दिया गया है, जिसमें से कि 17 लोग जो है बाहर दूसरे जिला से आए हुए हैं, उनको जो है हमने 8,500 रुपये का बेनिफिट दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए लोग जो है टोल फ्री नंबर है 14555 पे आप जो है कॉल करके इसमें आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी भी अगर कोई जो लोग हैं जो अगर बनाना चाहे तो ये आप लोक मित्र केंद्र में जाके बना सकते हैं ये आयुष्मान भारत कार्ड। किन्नौर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।